नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और फाइनली भारत जिस चीज का इंतजार कर रहा था वो उसको अब मिलने वाला है। भारत को मिलने वाला है पहला सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, और वो भी भारत की मोस्ट ट्रस्टेड और मैं कहूंगा पेट्रियोटिक कंपनी के द्वारा, यानी टाटा ग्रुप द्वारा। देखिए, भारत सरकार की कैबिनेट ने फाइनली टाटा ग्रुप के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को अप्रूवल दे दिया है, और अब टाटा ग्रुप ताइवान की कंपनी पावर चिप के साथ मिलकर गुजरात के धुलेरा में फर्स्ट चिप फैब यूनिट लगाएगा, और इसके लिए टाटा ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने वाला है अराउंड 91,000 करोड़ रुपए का, और यहाँ पर लगभग 50,000 वेफर पर मंथ बनेंगे। एंड दिस विल चेंज द सेमीकंडक्टर लैंडस्केप ऑफ इंडिया। ये भारत का पहला ऐसा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा जिसमें सेमीकंडक्टर चिप की कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग होगी, फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक। लास्ट ईयर ही गुजरात वाइब्रेंट समिट में टाटा के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने अनाउंस किया था कि वो गुजरात के धुलेरा में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाली है, और ये एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगा टाटा ग्रुप की तरफ से, और अब फाइनली इसको कैबिनेट का अप्रूवल भी मिल गया। देखिए, बात करेंगे टाटा ग्रुप के इस बड़े प्लांट की जो भारत की सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग की एम्बिशंस को पूरा करेगा, लेकिन यहाँ पर आपको पहले बता दूं कि भारत की कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर यूनिट से रिलेटेड लगभग 1.26 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट क्लियर किया है। इसके अंडर सरकार ने टोटल 3 यूनिट को अप्रूवल दिया है, और इनका कंस्ट्रक्शन 100 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। पहला प्लांट तो टाटा का ही है जो वो ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन यानी पीएसएमसी के साथ मिलकर गुजरात के धोलेरा में लगाएगी। दूसरे जो प्लांट को अप्रूवल दिया है वो भी टाटा ग्रुप का ही है जो असम में लगेगा। आप लोगों को याद होगा कुछ टाइम पहले ही टाटा ने अनाउंस किया था कि वो असम में 27,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ एक सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग प्लांट लगाएगी। ये प्लांट होगा असम के मोरीगांव में, और इसको भी अप्रूवल मिल गया है, और यहाँ से लगभग 48 मिलियन चिप्स पर डे मैन्युफैक्चर की जाएंगी, यानी आप कह सकते हैं उनकी असेंबली और टेस्टिंग होगी। और जो तीसरे प्लांट को अप्रूवल दिया गया है वो भी एक असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग प्लांट, और ये प्लांट लगाएगी भारत की सीजी पावर इन पार्टनरशिप विद जापान रेनेसस इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन और थाईलैंड की स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर। देखिये, सीजी पावर शायद आप लोगों ने ना सुना हो, लेकिन आप लोगों ने क्रोम्पटन ग्रीव्स जरूर सुना होगा। क्रोम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड भारत की एक मल्टीनेशनल कंपनी है, और सीजी पावर और इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड ये उसी ग्रुप का हिस्सा है। तो अब आप कह सकते हैं कि एक साथ सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कई प्रोजेक्ट भारत के हाथ में। आप लोगों को याद हो कि कुछ टाइम पहले यूएस की माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने भी ऐसा ही एक प्लांट अनाउंस किया था भारत के लिए, और ये प्लांट भी गुजरात के सनद एरिया में बन रहा है। ये इन्वेस्टमेंट होगा टोटल 2.75 बिलियन US डॉलर्स का, लेकिन ये भी एक ATMP यूनिट होगी यानी असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग। तो फिलहाल अगर हम कहें तो टाटा ग्रुप का ये जो प्लांट है गुजरात के धुलेरा में विद 91,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट, ये ही सही मायनों में कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है फॉर सेमीकंडक्टर चिप। देखिए, सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और इस टेक्नोलॉजी में अभी कुछ ही कंपनियों के पास महारत है। अगर नॉर्मल टर्म में देखें तो इस प्रोसेस में आता है सैंड से चिप बनाने का पूरा प्रोसेस। सैंड से बनता है सिलिकॉन, सिलिकॉन से बनता है वेफर, और वेफर से फाइनली बनती है चिप। लेकिन देखिए, इसमें भी मल्टीपल प्रोसेस होते हैं। वेफर बनने के बाद बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं जो एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, जैसे कि ऑक्सीडेशन, एचिंग, लिथोग्राफी, डाई अटैच, डाइसिंग, पॉलिशिंग, और फिर फाइनली कई नंबर आता है टेस्टिंग या पैकेजिंग का। अब टाटा ने जो प्लांट अनाउंस किया है इस प्लांट में सारे प्रोसेस कंप्लीट होंगे स्टार्ट से लेकर फिनिश तक। टाटा यूएस की माइक्रोन टेक्नोलॉजी की तरह सिर्फ असेंबली टेस्टिंग या पैकेजिंग नहीं करेगा, वो रियल मायने में चिप मैन्युफैक्चरिंग करेगा। और यहाँ पर ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन यानी पीएसएमसी विल प्रोवाइड टेक्नोलॉजी एंड एग्जीक्यूशन सपोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रीन फील्ड फैसिलिटी इन गुजरात। ये इन्वेस्टमेंट 91,000 करोड़ का, यानी अराउंड 11 बिलियन US डॉलर्स का, और इससे लगभग 20,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्किल जॉब प्रोवाइड की जाएंगी। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड होगी। टाटा की फैब हर महीने लगभग 50,000 वेफर बनाएगी, और इसमें नेक्स्ट जनरेशन फैक्ट्री ऑटोमेशन कैपेबिलिटीज होंगी जिसमें होंगे डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग कैपेसिटी। टाटा का ये नया प्लांट पावर मैनेजमेंट आईसी, डिस्प्ले ड्राइवर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग लॉजिक के लिए माइक्रोचिप्स बनाएगा, जिससे भारत के ऑटोमोटिव, कंप्यूटिंग एंड डाटा स्टोरेज, वायरलेस कम्युनिकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री के लिए चिप सप्लाई होंगी। देखिए, ऐसी उम्मीद है कि 2030 तक जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो ग्रो कर जाएगी 1 ट्रिलियन US डॉलर्स तक, और इसमें अकेले भारत की जो डिमांड होगी वो होगी अराउंड 110 बिलियन यूएस डॉलर्स की, और भारत की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री ग्लोबल सप्लाई चेन को डी-रिस्क करेगी, और साथ ही भारत को बनाएगी एक मेजर प्लेयर इन ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री।
अब थोड़ा बात कर लेते हैं उस पावर चिप कंपनी की जिसके साथ टाटा कोलैबोरेशन कर रहा है अपने प्लांट के लिए। इसे शॉर्ट में कहा जाता है पावर चिप, यानी पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन। ये सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट बनाती है जैसे कि मेमोरी चिप्स और इंटीग्रेटेड सर्किट। 2020 तक ये दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर फाउंड्री थी। इस कंपनी की अपनी खुद की 3 12 इंच की और 2 8 इंच की वेफर लैब्स हैं। ये कंपनी प्रोवाइड करती है फाउंड्री सर्विस एज वेल एज डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्ट सर्विस। पावर चिप कॉर्पोरेशन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए एक सिग्निफिकेंट सप्लायर मानी जाती है, यानी ये सबसे ज्यादा चिप सप्लाई करती है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को। और भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर कितना बड़ा है ये आप लोग जानते ही हैं। फिलहाल वो पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पर है। जाहिर है वहां पर चिप की भी रिक्वायरमेंट है और टाटा का नया प्लांट इस सप्लाई को काफी स्मूथ बना देगा। PSMC जो टाटा के साथ कोलैबोरेट करके भारत में प्लांट लगा रही है, ये इस कंपनी का ताइवान के बाहर पहला प्लांट है और सीरियसली एक काफी बड़ा पुश है भारत की सेमीकंडक्टर एम्बिशंस को लेकर। आने वाले 5 से 10 सालों में सेमीकंडक्टर के फील्ड में भारत एक क्रूशियल प्लेयर होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।